Good morning, my dear fourth standard students. So how was your week one of school beyond school learning? So welcome to the second week of your session. And this week we are going to do something new. So you have revised all the basics of your Kathak, that is footwork, single, double, quadruple, ikun, dugun, chogun, bhumi pranam. We did hand movements also. Now we are going to do today Guru Vandana. So you are all going to learn Guru Vandana. Okay. So Guru Vandana ka pehle sikhane se pehle main aapko ek halka sa matlab samjha deti hu ki ye jo vandana ki jati hai ye guru ko pranam karne ke liye ki jati hai. Guru ki aradhana karne ke liye ki jati hai. As you all know guru ka matlab hota hai teachers. Is duniya mein teachers se upar koi nahi hota hai bachcho. Okay. Teachers hi hai जो स्टूडेंट्स की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आफ्टर पेरेंट्स. सो गुरु वंदना का जो आज मैं वंदना लेने वाली हूँ उसका अर्थ एक छोटे से सारांश में आप लोगों को बता देती हूँ. गुरुर ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी का नाम लिया हुआ है. तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, विष्णु जी का नाम लिया हुआ है. गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर देव महेश्वरा मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश, उन्होंने आपको तो पता है इस सृष्टि की रचना की है. वो ही दे आर यूनिवर्सल चिल्ड्रन, उन्होंने ही है जिसने ये यूनिवर्स को बनाया है. तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा मतलब गुरु ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी हमेशा ना उनका सिंबल रहता है किताब, वो लिखते रहते हैं अपने आसन में बैठ के. तो गुरु ही साक्षात ब्रह्मा जी का रूप है, इसलिए हम गुरु को नमन करते हैं. तो चलो अब हम इसके मूवमेंट्स चलना सीखना आप लोगों से आप लोगों के साथ शुरू करेंगे. तो चलो स्टैंड अप.